हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग। मैं प्रोफेसर के कुंदन, मोटिवेशनल स्पीकर, करियर काउंसलर, और आज का वीडियो मैं आपका बीकॉम थर्ड ईयर के लिए मैथ पे बना रहा हूँ। यार ध्यान से सुनिए, क्या होता है ना, साइंस वाले स्टूडेंट्स का जिनका मैथ अगर पढ़ा हुआ रहता तो उनके लिए चैप्टर बहुत ही ज्यादा इजी फील होता है, लेकिन वही स्टूडेंट्स अगर कॉमर्स स्ट्रीम से होते हैं तो उनके लिए पता है बीकॉम थर्ड ईयर में आपको बिजनेस मैथमेटिक्स पढ़ना है। बीकॉम थर्ड ईयर में आपको बिजनेस मैथमेटिक्स पढ़ना है, और स्टूडेंट सोचते हैं यार मैथ बहुत दिन से छूटा हुआ है, कैसे बनेगा, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, बनेगा ही नहीं, हमसे तो हो नहीं पाएगा। यार मन से ना अपने डर को एकदम निकाल दीजिए, मन से डर को एकदम निकाल दीजिए। चैलेंज कर रहे यार, एक एक टॉपिक को एकदम अच्छे से बताऊंगा, समझ में आया। बीकॉम थर्ड ईयर में बिजनेस मैथमेटिक्स का एक एक पोर्शन आपका इजी कर दूंगा। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप पता आर्या कॉमर्स कैरियर का ऐप इंस्टॉल नहीं किया, आप ऐप इंस्टॉल कर लीजिए। पता है बच्चे, फोल्डर बना हुआ और हर एक फोल्डर में पता है सेपरेट पार्टिकुलर उस टॉपिक का वीडियो दिया हुआ रहेगा। पता है #1, #2, #3 और डेली एक वीडियो आपका अपलोड होगा। आप एकदम इजी से अच्छे से समझ के पढ़ सकते हैं, और कहीं पे डाउट हो ना आप हमें चैट बॉक्स में बिना सोचे मैसेज कर दीजिए, सर यह टॉपिक था, यह क्वेश्चन हमसे नहीं बना, आपका प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ बताएंगे। उसके लिए आप एकदम मत कुछ सोचिए, समझ में आया। पढ़ना है यार, अच्छा नंबर लाना है, समझ में आया। ऑनर्स पेपर आपका नंबर बहुत ज्यादा मायने रखता है, ठीक है। बीकॉम थर्ड ईयर में बिजनेस मैथमेटिक्स में मैथ का फर्स्ट चैप्टर आपका है एपी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, और आज मैं आपको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में बात करूंगा। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या है, कैसे निकालते हैं, क्या इसका टॉपिक है, क्या एक्सप्लेनेशन है, एक एक टर्म को एक्सप्लेन करूंगा। #1, #2, #3, #4 करके यह वीडियो भी कंटिन्यू बढ़ती रहेगा। और आपका जो बीएन गुप्ता का बुक है ना, आप लोग को बीकॉम थर्ड ईयर में बिजनेस मैथमेटिक्स डॉक्टर बीएन गुप्ता का बुक सॉल्व करना है, तो पता है आपके उस बुक से एक एक क्वेश्चन का एक्सप्लेन करूंगा, समझे। तो आप इसके लिए एकदम मत घबराइए कि सर मेरा 5 नंबर नहीं बनेगा, कैसे होगा। तो इस सब के लिए आप वेट भी कर लीजिएगा थोड़ा, आपका एक एक वीडियो कंटेंट्स के साथ मिलेगा क्वेश्चंस वाइज, ठीक है। चलते हैं आज का अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, आज का वीडियो हमारा है एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, चलिए ध्यान दीजिएगा, ठीक है। हाँ गाइस, आगे चलते हैं। सबसे पहले ध्यान दीजिए, हम जानते हैं कि एपी क्या है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिए, देखिए यार एक एक्सप्लेनेशन, एक डिफिनेशन मैंने यहां पे लिखा हूं। जैसे पता है हम लिखते हैं ना, आप एकदम प्रॉपर अपने कॉपी में एकदम अच्छे से नोट्स बनाइएगा। एक चीज और, अपने मैथ और स्टैटिस्टिक्स की कॉपी के लिए A4 साइज का कॉपी लीजिएगा, स्पाइरल वाला बड़ा कॉपी आता है ना, A4 साइज का कॉपी लीजिएगा, एकदम सीक्वेंस वाइज हमारा वीडियो आपका आता रहेगा। दूसरा बात, पता है आप जैसे हम टॉपिक को प्रॉपर एकदम #1, #2, #3, #4 करके चल रहे, वैसे आप भी अपने नोट्स को बराबर बनाते रहिएगा, समझ में आया। और कहीं पे डाउट हो ना, पेंसिल से राउंड कर लीजिएगा, चैट बॉक्स में डालेंगे, मैं तो प्रॉपर वहां रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है। आप उसके लिए एकदम मत सोचिए। चलते हैं डिफिनेशन की तरफ। देखिए अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है, व्हाट इज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। देखिए यहां पे इन मैथमेटिक्स अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और अर्थमेटिक सीक्वेंस इज अ सीक्वेंस ऑफ नंबर सच दैट द डिफरेंस बिटवीन द कंसेक्यूटिव टर्म इज कांस्टेंट और सेम। समझाते बात कह रहा है क्या चीज कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो होता है वह एक नंबर ऑफ सीक्वेंस का सीरीज होता है, एक सीरीज होता है जिसमें नंबर लिखे हुए होते हैं, एक सीक्वेंस होता है जिसमें नंबर्स लिखे हुए रहते हैं, और उन नंबर का वो सीरीज जो टर्म है उनके आपस का डिफरेंस सेम होता है, लगातार वह इंक्रीज करते रहते हैं। देखिए मैं यहाँ पे समझा रहा हूं, जैसे बात करें एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे दिया हुआ है कि देखिए यह आपका एक सीरीज एक टर्म लिखा हुआ है, ठीक है, यह आपका एक सीरीज एक टर्म लिखा हुआ है 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, ठीक है। अब एक बात देखिएगा,
आगे मैंने दो लिखा, फिर क्या लिखा, चार, फिर छह। अब एक बात आपने नोटिस किया होगा क्या कि यहां पे दो है और दो से चार की ओर बढ़े तो दोनों के बीच का डिफरेंस सेम दिख रहा है, दो का अंतर दिख रहा है। चार से फिर छह की ओर गए, इन दोनों के बीच का अंतर दो दिख रहा। फिर छह से आठ की ओर गए तो दोनों के बीच का अंतर दो दिख रहा। आठ से दस की तरफ गए, दोनों के बीच का अंतर दो दिख रहा। दस से बारह की तरफ गए, दोनों के बीच का अंतर दो दिख रहा। अभी आपके माइंड में एक बात चल रहा होगा, हम लोग एपी उस सीरीज को बोलेंगे, हम लोग एपी उस सीरीज को बोलेंगे जो एक प्रॉपर टर्म से, एक कॉमन डिफरेंस से, बराबर के डिफरेंस से इंक्रीज या डिक्रीज कर रहा होगा। अब ये जरूरी नहीं है क्या कि मतलब दो चार साल बढ़ते हुए इंक्रीजिंग मोड में रहेगा तभी एपी बोलेंगे, बिल्कुल भी नहीं। इंक्रीजिंग मोड में हो या डिक्रीजिंग मोड में हो, अगर वह बराबर एक प्रॉपर सिक्वेंस से हो रहा है तब हम उसको एपी बोल देंगे। जैसे एक बात देखिए, मैं एक एग्जांपल और आपका यहाँ पे लिख रहा हूं। सपोज दैट मैं यहाँ पे लिखता 50, 50, फिर मैं लिखता 46, फिर मैं लिखता यहाँ पे 42, फिर मैं यहाँ पे लिखता 38। अब यह देखिए आप, 50 से 46 गए, कितना का डिफरेंस, 4। 46 से 42 की ओर गए, 42 की ओर, कितना का डिफरेंस, 4। फिर 42 से 38 की ओर गए, कितना का डिफरेंस, 4 का। अभी एक बात देखिएगा, यह जो डिफरेंस है, चाहे सीरीज इंक्रीजिंग मोड में हो या डिक्रीजिंग मोड में हो, अगर वह एक प्रॉपर और बराबर सीक्वेंस से बढ़ या घट रहे, कुछ भी हो रहा हो, लेकिन आपस का डिफरेंस अगर सेम होगा, हम उस सीरीज को एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं, पक्का, नो डाउट। क्लियर ना यहां तक? अब सुनिए आगे। अब क्या होता है बच्चे, यहां पर इसको मैं मिटा देता हूं, समझाना है ना यार, इसलिए वीडियो ज्यादा लंबा नहीं होना, इसीलिए पहले लिख देता हूं फिर समझाता हूं। ऐसे क्या होगा, अगर लिखने में टाइम वेस्ट करूंगा तो उतना आपका टाइम बर्बाद हो जाएगा, वीडियो लंबा चला जाएगा, समझ में आया? इसीलिए कोई ऐसा बात नहीं, और लग रहा है ना कि डायरेक्टली सर से सामने पढ़े बैच में ज्वाइन कर लीजिएगा, मन हो आपका तो, ऐसे यहां पे भी आपका कोई दिक्कत नहीं है, #123 लगातार बताएंगे, आपको कोई शिकायत नहीं होगा, समझ में आया? और मैक्सिमम फ्रेंड तक शेयर कर दीजिए, आप जो भी फ्रेंड को जान रहे हैं आपके क्लास में, आप क्यों वेट कर रहे हैं यार, आर्या कॉमर्स करियर का ऐप इंस्टॉल करो, चैट बॉक्स में मैसेज कर देना सर को कि मैं बीकॉम थर्ड ईयर से हूं इस यूनिवर्सिटी से, आपको सर उस बैच में ऐड कर देंगे, आपके लिए अच्छा रहेगा, समझ में, और बहुत ज्यादा हेल्प होगा हमारे वीडियो से। चलिए देखिएगा, यहां पे एक सीरीज 2, 4, 6, 8 आप जान रहे एपी हो गया। अब देखिए क्या होता है ना, यहाँ पे जो फर्स्ट टर्म होता है, जो फर्स्ट टर्म होगा, जैसे यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या लिखा, पहला नंबर वाला 2, पहला नंबर टर्म कितना है 2, तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म को हम लोग बोलते हैं ए, फर्स्ट टर्म को क्या बोलेंगे, ए, ए मतलब फर्स्ट टर्म, ए मतलब फर्स्ट टर्म, और ए बराबर क्या लिख दिए 2, पक्का। अब देखिए आगे, यहाँ पे दूसरा टर्म दिख रहा है हमें 4, दूसरा टर्म क्या दिख रहा है 4, तो यहाँ पे लिखेंगे सेकेंड टर्म नोन एज ए टू, दूसरा टर्म को हम लोग क्या बोलेंगे ए टू, पक्का, और वह हमारा कितना है 4, पक्का। अब देखिए आगे, यहाँ पे तीसरा टर्म है 6, तीसरा टर्म क्या है 6, हम लोग लिखेंगे थर्ड टर्म नोन एज ए थ्री, उसी तरह से लगातार रहता है। अभी एक बात दिखेगा सर, डिफरेंस भी तो दिख रहा है ना, उसको कुछ नहीं बोलेंगे, उसको भी बोलेंगे यार, जो आपस में डिफरेंस दिख रहा है उसको भी हम लोग बोलते हैं, यहां पे आपस का डिफरेंस जो है उसे हम लोग बोलेंगे कॉमन डिफरेंस, उसको हम लोग क्या बोलेंगे कॉमन डिफरेंस, समझिएगा ध्यान से, मतलब एक टर्म से दूसरे टर्म के बीच में, एक टर्म से दूसरे टर्म के बीच में जो आपस का अंतराल है, जो आपस का अंतराल है, जितने नंबर से एक दूसरे से डिफर कर रहे हैं उसी को हम लोग बोलते हैं कॉमन डिफरेंस, उसको हम लोग क्या बोलेंगे कॉमन डिफरेंस, और कॉमन डिफरेंस यहाँ पे क्या है आपका 2 से 4, सर 2 का अंतर है ना, 4 से 6 2 का अंतर है, तो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस बराबर फॉर्मूला भी होता है, कॉमन डिफरेंस बराबर क्या होता है फॉर्मूला, जिसका फॉर्मूला होता है a2 minus a1 टर्म हम
डिफरेंस आ गया दो पक्का। यहाँ पे ए टू चार, ए टू ए वन नोन एज कॉमन डिफरेंस। और एक बात और यार, ए टू माइनस ए वन कीजिए या फिर आप आगे वाला फॉरवर्डिंग टर्म को प्रीसीडिंग टर्म से माइनस कर दीजिए, फॉरवर्डिंग टर्म को फॉरवर्ड टर्म को प्रीवियस टर्म से माइनस कर दीजिए, आपका कॉमन डिफरेंस आ जाएगा। और कॉमन डिफरेंस हमेशा बराबर होता है, कॉमन डिफरेंस हमेशा क्या होता है, बराबर होता है। जैसे एक बात समझिएगा, अभी हम 14 में से 12 को घटाते फॉरवर्डिंग टर्म को प्रीसीडिंग टर्म से, तो 12 दो आता ना, 10 से 8 को घटाते दो आता, 12 से 10 को घटाते दो आता, जस्ट प्रीसीडिंग टर्म। अब ये नहीं कहते कि सर 14 में से 2 घटाएं तो यहां पे आ गया 12, कैसे आप, गलती हो जाएगा ना यार। फॉरवर्डिंग टर्म से जस्ट प्रीसीडिंग टर्म, फॉरवर्डिंग टर्म से जस्ट प्रीसीडिंग टर्म को माइनस करेंगे तो हमारा कॉमन डिफरेंस निकल जाएगा। कोई डाउट नहीं लग रहा है कि समझ में आया, आगे बढ़ते हैं। नहीं समझ में आया वीडियो को वापस रिप्ले करके देखिएगा, चैट बॉक्स में और ज्यादा दिक्कत हो मैसेज कर दीजिएगा, और ज्यादा प्रॉब्लम हो व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिएगा, रिप्लाई देंगे यार, ठीक है। चलते हैं आगे, ध्यान दीजिए, आगे चलते हैं। अब एक बात सुनिए, हम लोग एपी क्यों निकालते हैं, अभी एक बात बता रहे, एपी हम लोग क्यों निकालते, क्या आपको दिया हुआ रहेगा, क्या हुआ ना आपका 2, 4, 6, 8, 10 सीरीज 5 ही दे दिया लिखा हुआ टर्म, ठीक है 2, 4, 6, 8, 10 ही लिखा हुआ, ठीक है 5 सीरीज। अब बोल देगा कि बताओ उसका 50वां नंबर पे कौन सा टर्म आएगा, तो उसे निकालने के लिए हम लोग एरेथ टर्म के फॉर्मूला का यूज करते हैं। सपोज दैट एक एग्जांपल देखिए, देखिए बता रहे हैं क्या हुआ ना, कोई भी सीरीज दिया हुआ रहेगा, अब उसमें पूरा टर्म दिया हुआ नहीं रहेगा, बल्कि पता उसका 2-4 टर्म लिखा हुआ रहेगा, और आपसे यह कह देगा कि आप उसका उतना नंबर ऑफ टर्म निकाल के बताइए। यह आपका एपी में पूछेगा, यह आपका क्या चीज पूछेगा, एपी में। क्या हुआ ना यार, मेरा बैकग्राउंड साइंस नहीं था, मेरा बैकग्राउंड कॉमर्स था, ठीक है, क्या 11th जैसे तैसे पढ़े, समझ में नहीं आया, 12th से जो पढ़ना चालू किए तो सारे बुक का टोटल आपका 11th से लेकर के एमकॉम एमबीए एक एक पेपर का पूरा शेड्यूलिंग बनाए हुए, यह जो भी कॉन्सेप्ट बता रहे ना, यह मेरा सारा कॉन्सेप्ट खुद का लिखा हुआ है। और एक कॉमर्स के स्टूडेंट्स को चाहिए कि हम जितना ज्यादा इजी से सीख जाएं, एग्जाम में परफॉर्म करना है आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा। चलिए देखिए वीडियो को, देखिए यहाँ पे हम हिंदी में लिख रहे हैं, आप ये मत समझिए कि मास्टर बाबा को इंग्लिश नहीं आता, हमको इंग्लिश भी आता, आपको समझाने के लिए हम वैसे लिख रहे ताकि जो लोग जिनके दिमाग में भूसा भी भरा हुआ है ना वह भी प्रॉपर समझ जाए। थोड़ा बहुत बुरा नहीं मानिएगा यार, दिल से नहीं बोल रहे, बस दिमाग पे मत लीजिएगा, ठीक है, समझिए आपके लिए बता रहे हैं। देखिए इधर जैसे बात करें, अगर हमें किसी सीरीज की एनेथ टर्म जाननी हो तो हम एनेथ टर्म के फॉर्मूले का यूज करेंगे। अभी बताएं जैसे एग्जांपल देखिए, 2, 4, 6, 8, 10, 12 यहां तक तो दे ले था, लेकिन बोल दिया बताओ 50वां टर्म के का आएगा आंसर, तो यहां पे इस टर्म को निकालने के लिए 50 टर्म पूछ दिया ना, उस टर्म को निकालने के लिए हम एपी के फॉर्मूला का यूज करेंगे, हम एपी के फॉर्मूला का यूज करेंगे, समझ में आया। चलिए देखिए यहाँ पे, अभी यहाँ पे हमने एपी के फॉर्मूला आपका एपी टीएन टर्म निकालने का, जैसे 50वां बोल दिया, 100वां बोल दिया, 1000वां भी बोल देता तो कोई डिफरेंस नहीं, यहाँ पे टीएन के फॉर्मूला का यूज करेंगे। क्या चीज का फॉर्मूला का, टीएन नंबर ऑफ टर्म, यहाँ पे एनेथ टर्म जिसको बोलते हैं एनेथ टर्म, नंबर ऑफ टर्म बराबर नंबर ऑफ टर्म, फॉर्मूला का नंबर ऑफ, हाँ यहाँ पे देखिएगा एनेथ नंबर ऑफ टर्म, और यहाँ पे फॉर्मूला टीएन बराबर, टीएन बराबर नंबर ऑफ टर्म बराबर फॉर्मूला, लिख लीजिएगा प्रॉपरली, काम देगा यार। ए प्लस एन माइनस वन ब्रैकेट में रहेगा और डी, ए प्लस एन माइनस वन और यहाँ पे डी। अब देखिए यहाँ पे लिख भी देता हूं, समझा देता हूं, बाद में ये मत बोले कि मास्टर बाबा अधूरा बता के निकाल दिया। चलिए देखिए, ए बराबर फर्स्ट टर्म, डी बराबर कॉमन डिफरेंस, और
या और यहां पे एन बराबर बराबर नंबर ऑफ टर्म जो फाइंड आउट करना है, एन बराबर नंबर ऑफ टर्म जो फाइंड आउट करना है। अभी यहां पे देखिए, यह चीज सारा क्वेश्चन में लिखने का जरूरत नहीं है यार, आपको मैं समझाने के लिए ना बता दिया हूं। अब देखिए, तो यहां पे ए बराबर फर्स्ट टर्म हमारा इस सीरीज जो दिया हुआ है, एक फर्स्ट टर्म दो है, कितना है दो, यहां पे लिख देंगे दो, ठीक है। आगे कॉमन डिफरेंस फॉर्मूला वहां बताए थे, ए टू माइनस ए वन, ए टू माइनस या ए वन है, या एक और बताए थे फॉरवर्डिंग टर्म माइनस जस्ट प्रीसीडिंग टर्म, आगे वाला टर्म से कर सकता, अलगे वाला टर्म हटा दीजिए ना, निकल जाएगा डी, तो यहाँ पे चार माइनस दो बराबर हो जाएगा यह भी दो, ठीक है। और नंबर ऑफ टर्म क्वेश्चन में कितना बोल रहा है फाइंड आउट कर ला, पचासवा ना, 50, क्लियर। अब देखिए यहाँ पे आगे बात करते, तो यहाँ पे टी एन बराबर यहाँ पे टी 50 बोला निकालेगा, ए बराबर था दो लिख देंगे दो प्लस एन माइनस वन, तो 50 में से एक गया तो कितना हो जाएगा 49, 49। और डी बराबर कॉमन डिफरेंस, डी कितना आया दो, क्लियर। मैथ यार गुना उना आप लोग खुद किया कीजिएगा। आंसर आ जाएगा यहाँ पे 98 आया प्लस 2 हमारा आ जाएगा आंसर बराबर 100, मतलब 50वां टर्म जो आएगा 100 आएगा। ऐसे भी अपने दिमाग में थोड़ा जोड़ लीजिए, 50 दो दो का अंतर है तो 50 दूना कितना 100, 100 आ रहा था ना, मतलब 50वां टर्म तक पहुंचेंगे, बढ़ाते बढ़ाते दो दो बढ़ाइए ना, 50वां टर्म पे जाने के बाद ऑटोमेटिक आपका 100 आ जाएगा। समझ में आया एपी क्या होता है, क्लियर है, नो डाउट, कोई शिकायत संदेह दुविधा मन में नहीं ना। फिर से इसको देखिए समझाते, सीरीज दिया हुआ रहेगा बच्चे, कोई भी सीरीज दिया हुआ रहेगा, मान के चले 2, 4, 6, 8, 10 कुछ भी रहेगा, ठीक है। एक काम करते हैं, हम आपको एक फ्रेश एग्जांपल लिख करके एक और समझा देते हैं, ध्यान दीजिएगा। यहाँ देखिए एक और क्वेश्चन लिख दें यार, एक क्वेश्चन से और समझा दे रहे हैं, आपके लिए इजी हो जाएगा। जितना ज्यादा मैथ सीखिए, बहुत दिन से मैथ छूटा हुआ है ना, तो जितना ज्यादा सीखिए। एक चीज और बोल रहे हैं, सिर्फ आप बीकॉम थर्ड ईयर के लिए आप हमें फॉलो मत कर लीजिए, सिर्फ बीकॉम थर्ड ईयर के लिए आप नहीं है, आप मीडिया का प्रिपरेशन करना चाहते हैं, जर्नलिज्म फील्ड में जाना चाहते हैं, आपको आगे करियर के लिए बैंकिंग करना है, एमबीए करना है, फाइनेंस में जाना, कोई भी सेक्टर यार, आर्या कॉमर्स करियर यार, हम आपको अचीव करवाएंगे। क्या होता है ना, मैक्सिमम जगह फैकल्टी सिर्फ अपने सब्जेक्ट को गाइड करके चले जाएंगे, आपको पढ़ाने के बाद मतलब भी नहीं रखते हैं कि आप कैरियर में क्या कर रहे हैं, कोई मतलब नहीं है। लेकिन पता है कॉमर्स में इतने सारे ऑप्शन है, मैक्सिमम स्टूडेंट्स के दिमाग में सिर्फ भरा हुआ रहता है सीए सीएस करना है, सीएमए करना है, एमबीए करना है। गलती सोच रहे ना बच्चे, पता आपका इंटरेस्ट कहाँ है, आपका मन लग रहा है उस काम में लगाइए ना, हम साथ देंगे ना यार, हम आपके साथ देंगे, हम सपोर्ट में है। आप बोलिए तो सर मीडिया में जाना, गाइडेंस करेंगे, और गाइडेंस से बड़ा सपोर्ट अभी कुछ भी नहीं होता, आप प्रॉपर आपको अचीव होगा वह चीज। समझ में आया, कोई भी फील्ड यार। एक बात, हम डॉक्टर नहीं है, हॉस्पिटल खोल सकते हैं ना, दिमाग लगा सकते हैं, ठीक है। चलिए यहां पे ध्यान दीजिए पहले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, उसका बाद में करेंगे। चलिए देखिए यहाँ पे एक और क्वेश्चन लिख दिए, 3, 6, 9, 12, 15 फाइंड 17th टर्म, 17वां टर्म निकाल के दिखाओ, एक वो सीरीज दे ले है, 17वां टर्म निकालो। देखिएगा ध्यान से, यहाँ पे ए फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा, फर्स्ट टर्म 3 दिख रहा है ना, लिख देंगे फर्स्ट टर्म 3, ठीक है। कॉमन डिफरेंस आगे वाला टर्म पिछल को टर्म को घटाइए, 6 माइनस 3 बराबर 3, 12, 15 माइनस 12, 3, 12 में से 9 घटा दीजिए 3, 9 में से 6 घटाइए 3, केकरो आगे वाला से सटल की पीछे में घटाइएगा ना, बराबर आ जाएगा, यहाँ पे 3 आ गया कॉमन डिफरेंस भी, ठीक है। आगे नंबर ऑफ टर्म कितना नंबर बोला फाइंड आउट करना, 17वां नंबर पे का आए तो दिखा दे 17th नंबर, पक्का यहां तक, नो डाउट। आगे अब देखिए फॉर्मूला का यूज करेंगे, tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ए बराबर फर्स्ट टर्म यहां पे 3
प्लस एन माइनस वन, एन माइनस वन हमारा आया था यहाँ पे 17 है ना, तो 17 में से एक गया तो आ जाएगा 16, ठीक है। आप उसको भी लिख सकते हैं यहाँ पे एन माइनस वन टर्म बराबर, तो 17 निकालेगा, एक माइनस करेंगे 16, यहाँ लिख सकते हैं। मन नहीं है नहीं लिखेगा कोई दिक्कत नहीं। 16 आ गया, कॉमन डिफरेंस आपका था 3, गुना कर लीजिए 16 3 48 49 50 51 आपका आंसर हो गया। चलिए एपी का यह टर्म समझ में आ गया होगा, आ गया ना समझ में। चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा आगे बताते हैं, ठीक है, ध्यान दीजिए। देखिए यार साथ दीजिएगा, ऐप इंस्टॉल कीजिए मैक्सिमम फ्रेंड को, यार मैक्सिमम फ्रेंड पढ़ें यार, बहुत लोग को डर होता है मैथ में। चलिए ठीक है आगे बढ़ते हैं। हाँ गाइस अब सुनिए ध्यान से, पता है यह आपका टीएन वाला फॉर्मूला बताएं आपको, एक एक टर्म समझाएं। अभी एक बार सुनिएगा, आपका बुक डॉक्टर बीएन गुप्ता, हमारे पूज्य गुरुदेव डॉक्टर बीएन गुप्ता का बुक आपका चलेगा, ठीक है। मैं उसी बुक से आपको पढ़ाऊंगा एक एक टर्म एक एक सीक्वेंस के साथ में। डॉक्टर बी एन गुप्ता का बुक परचेज कर लीजिए, पीडीएफ भी आपका हमारे ऐप पे मिल जाएगा, बुक का पूरा बुक का नहीं चैप्टर वाइज पीडीएफ देंगे, ठीक है। अभी एक बात सुनिए, तो वहां से आपका इस टाइप का जो भी क्वेश्चंस होंगे 1A 1B दोनों में से आप A to Z क्वेश्चन को सॉल्व कर जाएगा। आलस कीजिएगा ना, मार्च में एग्जाम अगर हो गया ना मार्च अप्रैल में, तो यार पढ़ नहीं पाइएगा, इसलिए अभी से तैयारी कीजिए। 4 ऑनर्स पेपर है, डरा नहीं रहे बता रहे, 4 ऑनर्स पेपर है और प्रॉपर टाइम देना पड़ेगा ना। हर एक वीडियो तो मैं डेली डाल दूंगा, आप डेली देखिए। अब ये मत सोचिए कि यार हम अपना वो पबजी में टिकटॉक बनाने में, चाहे मान के चलते वो ब्यूटी प्लस कैमरा इंस्टॉल करने में अपना नेट खपा दिए सर। पढ़िएगा तभी लाइफ में बढ़िएगा यार, समझ में आ, पढ़ाई इंपॉर्टेंट है ये हम जानते हैं, फील किए हैं इसीलिए बता रहे हैं। तो पता है आप लोग डॉक्टर बी एन गुप्ता का जहां तक बताएंगे, आप आगे नहीं बढ़िएगा वहां तक आप प्रॉपर सॉल्व करते जाइएगा, आगे टाइप का क्वेश्चन बता रहे हैं, ध्यान दीजिए अच्छे से एकदम प्रॉपरली देखिएगा। चलिए देखिए, चलिए यार आगे क्वेश्चन टाइप बताते हैं और आपके बुक में किस किस टाइप का क्वेश्चन दिया हुआ है। क्या हुआ ना, कभी कभी हमें यह बोल देगा, एक टर्म दे देगा और बोलेगा बताओ इस सीरीज का वो वाला टर्म नंबर आएगा कि नहीं आएगा। मतलब अगर कोई नंबर दे दिया और बोला एक सीरीज भी दिया हुआ रहेगा, बोल देगा क्या चीज वह सीरीज का टर्म है बताओ, तो उस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे हैंडल करेंगे कैसे बनाएंगे। आपका डॉक्टर बी एन गुप्ता वाले बुक में भी दिया हुआ है पता है, आप वहां से भी सॉल्व कीजिएगा। इस टाइप का क्वेश्चन भी आज बता दे रहा हूं। चलिए देखिए क्या हुआ ना, यहाँ पे एक क्वेश्चन आपका एग्जाम्पल में भी दिया हुआ था, क्वेश्चन में भी ऐसा बहुत सारा क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ देखिए ऐसे लिख दिया, इज 203 एनी टर्म ऑफ सीरीज 1, 7, 13, 19। अभी आपके माइंड में एक बात आया, बोल रहा है कि एक बात बताओ क्या 203 यह सीरीज का कोई टर्म है, मतलब कहीं पर जा करके 203 आ जाएगा। अगर एपी के सीक्वेंस में चलेंगे, अगर एपी के सीक्वेंस में चलेंगे, एपी जैसा फॉलो करेंगे, लगातार बढ़ेंगे, तो किसी टर्म पे किसी नंबर पे क्या 203 आ जाएगा, ठीक है। तो हम अब निकाल कर देखते हैं कैसे। यहां देखिएगा यहां पे यहां सीरीज दिया हुआ है, सबसे पहले क्वेश्चन में 1, 7, 13, 19 ऐसे दिया हुआ है ना, और बोल रहा है कि बताओ 203 आएगा कि नहीं आएगा। अभी एक बात समझिएगा, हम लोग a बराबर लिख देते हैं, a बराबर फर्स्ट टर्म नोन एज 1, d बराबर कॉमन डिफरेंस, तो जस्ट आगे वाला से पीछू वाला, तो 7 - 1 आ जाएगा बराबर 6। अब यहां पे हमको बोला क्या चीज कि 203 उसका टर्म है बताओ, तो यहाँ पे फॉर्मूला लिख देते हैं, टीएन बराबर क्या होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब देखिए तो टीएन बराबर या फॉर्मूला ब्रैकेट ऐसे कर दीजिएगा यार,
पता यह सब हाइलाइटिंग पॉइंट होता है। अगर आप फॉर्मूला लिख रहे हैं बनाते वक्त ऐसे कर दीजिएगा बॉक्स में तो थोड़ा सा ज्यादा अच्छा हो जाता है, समझ में आया। चलिए देखिएगा, बता रहे हमारा टीएन दिया हुआ था, बोल रहा था कि बताओ 203 उसका टर्म हो सकता है, तो टीएन तो 203 वह बताया हुआ है, बराबर ए बराबर हमारा यहाँ पे है 1। एन टर्म नहीं दिया हुआ, एन टर्म नहीं दिया हुआ यार, यह टीएन का वैल्यू दिया हुआ है ना कि अगर वहां पे पहुंचेंगे तो 203 नंबर आने चाहिए, कौन से टर्म पे पहुंचेंगे तो नहीं गिवन है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म कितना होगा वह नहीं दिया हुआ है, इन्हें लिख देंगे माइनस 1 और कॉमन डिफरेंस कितना 6, कॉमन डिफरेंस हमारा कितना है 6 आया है ना, 7 में से गया तो 6। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 203 बराबर 1 और यहां पे ब्रैकेट में करेंगे ना 6n माइनस 6 हो गया ना, या आगे चलते चलेगा। अब देखिए यहां पे बराबर, अब देखिए तो यहां पे हमारा लिखा हुआ फिर से लिख देते हैं, अच्छा ठीक है, हाँ गाइस देखिए इधर मैंने यहां पे कर दिया, अभी देखिएगा यहां पे मैं वापस समझा दे रहा हूं, समझिएगा टीएन वाला फॉर्मूला लगा दिए, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी फॉर्मूला वाला मैंने लिख दिया। अब देखिए टीएन का वैल्यू दिया हुआ था 203, टीएन का वैल्यू कितना दिया हुआ था 203। अब यहां पे ए बराबर 1 दिया हुआ है, एन का वैल्यू नहीं दिया हुआ क्योंकि यही ना पूछ रहा है क्वेश्चन में कि बताओ कितना नंबर में 203 आएगा, तो नंबर ऑफ टर्न नहीं दिया हुआ, माइनस 1 और इंटू डी बराबर 6 था, ठीक है। अभी देखिए 203 बराबर 203 इक्वल टू 1 और यहां पे 6n, 6 में n से गुना करेंगे ना तो 6n और माइनस 6 में 1 से गुना करेंगे, याद कीजिए ना यार थोड़ा सा 8 वाला टर्म को ब्रैकेट में रहता था, बार वाला को मल्टीपल करते थे ना, तो 6n माइनस 6 अब बराबर यहां पे 203 हो गया 6n। अभी देखिए एक बात समझिएगा, यहां पे माइनस 6 है और यहां पे इसी में प्लस है, कुछ नहीं तो प्लस है ना, तो माइनस में से एक प्लस गया तो माइनस का क्रम घट जाएगा, यहां देखिए समझा रहे माइनस 6 था, माइनस कितना था 6 था और एक प्लस 1 है, तो 6 माइनस में एक प्लस में, तो एक्चुअली में माइनस वाला एग्जैक्ट कितना हो जाएगा 5 होगा ना, तो वही यहां पे लिख दिए। देखिए तो यहां पे 203 बराबर 6n माइनस 5 क्योंकि माइनस पे 5 आ रहा था, एक प्लस वाला हटा दिए। अब देखिए उसके आगे बढ़े तो 203 था और यह जो माइनस में इधर है इक्वल के इधर साइड आएगा तो प्लस में हो जाएगा ना, तो 203 प्लस 5 क्योंकि माइनस में था इधर आ गया तो प्लस में हो गया, तो 203 प्लस 5 बराबर हो जाएगा 6n, 203 प्लस 5 बराबर क्या हो जाएगा 6n क्योंकि 6n इधर था। अभी देखिए तो यहां पे हो गया 208, 203 और जोड़ 5 कितना 208 बराबर 6n बराबर क्या हो जाएगा 6n, क्लियर। अभी देखिए तो यहां पे n बराबर क्या होगा, जो मल्टीपल में रहता है कुछ नहीं तो मल्टीपल में है, तो मल्टीपल में है तो वह डिवाइड में चला जाएगा, तो 208 और डिवाइडेड बाय 6। अभी एक बात आप समझिए, या तो इसका रिजल्ट आ गया, अब यह पूछा था कि क्या 208 उस सीरीज का टर्म है, अभी देखिए 1, 7, 13, 19 अभी कोई भी इसमें फ्रैक्शन के फॉर्म में आ रहा है नहीं, लगातार इंक्रीजिंग मोड में, फ्रैक्शन मोड कहीं भी नहीं दिख रहा। अब फ्रैक्शन मोड तब आता है जब हम डिवाइड करते हैं, जब हम क्या करते हैं डिवाइड करते हैं, तो यहां पे हम डायरेक्टली लिख देंगे नॉट टर्म ऑफ सीरीज, नॉट टर्म ऑफ सीरीज मतलब 203 जो है वह इस सीरीज का कोई भी टर्म नहीं है, 203 इस सीरीज का कोई भी टर्म नहीं है, आप इसको अच्छे से राइट डाउन कर लीजिए, ठीक है। और आज का टास्क पता है ना, डॉक्टर हमारे पूजनीय माननीय गुरुजी डॉक्टर बीएन गुप्ता की बुक का चैप्टर आपका 1A, एपी का 1A बना करके अच्छे से हमें फॉरवर्ड करना है, सबसे पहले किसका आता है उसका वेट हमें रहेगा।
ठीक है। अभी सुनिए एक बात बता रहे, यहां तक तो मैं बता दिया हूं, और एक चीज और बच्चे जानते हैं, जिसके पास भी एप्स नहीं इंस्टॉल किए हैं, आप फ्रेंड को, मैक्सिमम फ्रेंड को बोलिए, कहीं भी है, किसी यूनिवर्सिटी से है, डर लग रहा है, लॉकडाउन में पढ़ाई भी करना है, टाइम से एग्जाम होगा, क्या करेंगे यार, बहुत दिन तक सो सो के बिता लिया, पढ़ के टाइम स्पेंड करेंगे, चाहते हैं ना लाइफ में कुछ अच्छा करें। देखिए बता रहे, सभी लोग वही काम करते बच्चे, लाइफ में कुछ चीज सबका फिक्स होता है, शादी ब्याह और लाइफ जिंदगी सर्कुल सबका वही है, लेकिन अगर लाइफ में अगर आपको कुछ अच्छा करना है तो थोड़ा सा ब्रॉड करना पड़ेगा, और उसके लिए पढ़ना भी जरूरी है, समझ में आया। इसलिए मैक्सिमम फ्रेंड तक शेयर कर दीजिए, जहां तक आपसे हो सके, और बता दीजिए इंस्टॉल करो, फायदा दिखेगा, रियली फायदा दिखेगा, ठीक है, कोई चार्ज नहीं, कोई कॉस्ट नहीं, एक रुपया नहीं लगेगा यार, ऐप इंस्टॉल करने में क्या जरा, फालतू का ऐप इंस्टॉल किए हुए हो, और यहां पढ़ा रहे, एफर्ट लगा रहे आपके लिए, किसी और के लिए नहीं, आपके लिए एफर्ट लगा रहे, समझ में आया। चलिए देखिएगा यहां पे इसको आप टास्क करके दिखाएगा, मिलते हैं #2 के साथ नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, बाय, सी यू।